थियरीज ऑफ मोटिवेशन, मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई इनको एक्सप्लेन किया था मैकग्रेगर ने अपनी बुक में, जिसका नेम था द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज. और उन्होंने इसमें टू स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट बताए थे. एक था अथॉरिटेरियन, इसको थ्योरी एक्स रिप्रेजेंट करती थी, और दूसरा था पार्टिसिपेटिव, इसको थ्योरी वाई रिप्रेजेंट करती थी. नाउ थ्योरी एक्स, मैनेजर्स जो इस थ्योरी को एक्सेप्ट करते थे वो ये बिलीव करते थे कि अगर आप टीम मेंबर्स जो हैं वो आपके काम को डिसलाइक करते हैं तो उनमें थोड़ी मोटिवेशन होगी, सो उनको बार बार वॉच करने की ज़रूरत होगी. और उनको क्योंकि वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं और वो अब काम को अवॉइड करते हैं जितना भी पॉसिबल हो सके, तो इसके लिए जो मैनेजर्स हैं वो अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट चूज करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर दिस अप्रोच इज़ वेरी हैंड्स ऑन एंड यूजुअली इन्वॉल्व्स माइक्रो मैनेजिंग पीपल्स वर्क टू इंश्योर दैट इट गेट्स डन प्रॉपरली. इसमें जो मैनेजर है वो माइक्रो मैनेजिंग करते हैं पीपल्स के वर्क पर, जिससे वो ये इंश्योर करें कि जो काम है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है. नाउ थ्योरी वाई, मैनेजर्स जो इस थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं वो बिलीव करते हैं कि अगर लोग काम करें विदाउट सुपरविजन के तो वो काम को एज प्राइड लेंगे, एज अ चैलेंज देखेंगे और वो ज़्यादा अचीव करना चाहेंगे. दे कैन डायरेक्ट देयर ओन एफर्ट्स, वो ऑनरशिप को टेक करेंगे और इफेक्टिवली उस काम को करेंगे. सो दीज मैनेजर्स यूज आर डिसेंट्रलाइज्ड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल. मैज़लोस थ्योरी ऑफ हायरार्कियल नीड्स, अब्राहम मैज़लो ने कहा था कि जब तक पर्सन मोटिवेटेड नहीं होगा वो तब तक अपनी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर सकता. सो इसने कहा था कि जो लोग हैं वो सिक्योरिटी और मनी के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो दूसरों के काम में कंट्रीब्यूट करने के लिए और अपने स्किल्स को यूज़ करने के लिए करते हैं. सो ये इसने एक पैरामिड से शो करवाया था और मैंशन किया था कि वन कैन नॉट असेंट to the next level unless lower level needs are fulfilled. जब तक lower level की needs fulfill नहीं होंगी, so individual जो है वो upper level की जो needs हैं उनको पूरा नहीं कर सकेगा. hierarchy of needs में इसने five needs बताई थी. number one है physiological needs, इसमें basic needs हैं survival की like air, sleep, food, water, clothing, sex and shelter. देन नंबर टू पे सेफ्टी नीड्स हैं, जिसमें प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट्स है, डिप्रीवेशन है और दूसरे डेंजर से प्रोटेक्शन है. नंबर थ्री सोशल बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स हैं, इसमें नीड फॉर एसोसिएशन है, एफिलिएशन है, फ्रेंडशिप है. देन सेल्फ इस्टीम नीड्स हैं कि दूसरे आपको रिस्पेक्ट करें और रिकोगनाइज करें. देन जो लास्ट है और जो अपर मोस्ट है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. इसमें इंडिविजुअल खुद को जानता है, वो ज़्यादा क्रिएटिव होता है, लर्निंग करता है, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है. अब जैसे इस चार्ट में हम देख सकते हैं सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, देन सेफ्टी नीड्स हैं, देन सोशल नीड्स, देन इस्टीम नीड्स एंड लास्ट पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं. और जब तक नीचे वाली नीड्स फुलफ़िल नहीं होंगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक इंडिविजुअल नहीं पहुँच सकेगा. हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी, हर्ट्ज़बर्ग ने नीड्स को क्लासिफाई किया था टू कैटेगरीज़ में, हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटिंग फैक्टर्स. इसने कहा था कि जो पुअर हाइजीन फैक्टर्स हैं उनकी वजह से मोटिवेशन डिस्ट्रॉय होती है, लेकिन अगर उनको मोस्ट सर्कमस्टांसिस में इम्प्रूव किया जाए सो फिर वो मोटिवेशन जो है हाई हो जाएगी, लेकिन अगर उसको इम्प्रूव नहीं किया जाएगा तो वो इम्प्रूव नहीं होगी. नंबर टू पे उसने हाइजीन फैक्टर्स बताए थे, तो उसने कहा था कि जो हाइजीन फैक्टर्स हैं वो सफिशिएंट नहीं हैं एक इंडिविजुअल को मोटिवेट करने के लिए, इसके साथ मोटिवेटर फैक्टर्स भी ज़रूर चाहिए होते हैं. अब जैसा कि इस चार्ट में हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर प्रिंसिपल शो किए गए हैं, फर्स्ट हैं इन्फ्लुएंस बाय हाइजीन फैक्टर्स, वो डिससेटिस्फायर्स हैं. इसमें वर्किंग कंडीशन, को वर्कर रिलेशंस, पॉलिसीज एंड रूल्स, सुपरवाइज़र क्वालिटी होगी. एंड जो दरमियान वाला है उसमें इम्प्रूविंग मोटिवेटर्स हैं, जिसकी वजह से जॉब इंक्रीज़ हो सकती है, जॉब की जो सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज़ होगी. और नीचे वाले कॉलम में इम्प्रूविंग, अगर हाइजीन फैक्टर्स को इम्प्रूव होंगे तो उसकी वजह से जो जॉब डिससेटिस्फैक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. एंड नंबर थ्री जो कॉलम है उसमें इन्फ्लुएंस बाय मोटिवेटर फैक्टर्स हैं, जो कि सेटिस्फायर्स हैं. तो जब सेटिस्फाई हो जाएंगे तो उससे अचीवमेंट्स, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क इट्सेल्फ, पर्सनल ग्रोथ, ये सब होगा.
मैक्लेलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स. मैक्लेलैंड्स ने 3 मोटिवेटिंग ड्राइवर्स बताए थे और उसने कहा था कि इंडिविजुअल में एक जो ड्राइव है वो ज़्यादा डोमिनेंट होती है उसके बिहेवियर में. सो ये 3 मोटिवेटर्स अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर है. अचीवमेंट ये है कि अ नीड टू अकम्पलिश एंड डिमॉन्स्ट्रेट ओन कम्पिटेंस. पीपल जिनमें हाई नीड फॉर अचीवमेंट होती है वो ऐसे टास्क को प्रेफर करते हैं जिससे उनको पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले और रिजल्ट्स जो हैं वो बेस हों उनकी अपनी एफर्ट्स पर. दे ऑल्सो प्रेफर क्विक एक्नॉलेजमेंट ऑफ देयर प्रोग्रेस. देन एफिलिएशन आ नीड फॉर लव, बिलोंगिंग एंड सोशल एक्सेप्टेंस. पीपल जिनमें हाई नीड होती है एफिलिएशन की, वो मोटिवेटेड होते हैं कि दूसरे उनको लाइक करें और दूसरों से एक्सेप्टेड हों. सो वो सोशल गैदरिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं. एंड नंबर 3 है पावर, जिसमें ये नीड होती है कि दूसरों को कंट्रोल किया जाए. सो पीपल जिनमें पावर नीड बहुत ज़्यादा हाई होती है वो ऐसी सिचुएशन के डिज़ायर करते हैं जिसमें उनकी पावर शो की जाए और वो दूसरों पर असरअंदाज हों. व्रूम्स थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी. व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन सेज दैट एन इंडिविजुअल्स मोटिवेशन इज़ अफेक्टेड बाई देयर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर, के फ्यूचर में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. सो उसमें इसने 3 मेन पॉइंट्स दिए थे, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड वेलेंस. एक्सपेक्टेंसी में इसका बिलीफ ये था कि हेयर द बिलीफ इज़ दैट इंक्रीज एफर्ट विल लीड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, कि अगर मैं वर्क हार्ड करूँगा तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, मैं अच्छा बनूँगा. सो दिस इज़ अफेक्टेड बाई थिंग्स सच एज अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज हों अवेलेबल, लाइक रॉ मटेरियल्स और टाइम हो, अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट स्किल्स हो जॉब करने की, और जो सपोर्ट है जॉब करने के लिए वो रिक्वायर हो, लाइक सुपरवाइजर सपोर्ट हो, करेक्ट इंफॉर्मेशन हो जॉब की. नंबर 2 है इंस्ट्रूमेंटेलिटी. हेयर द बिलीफ इज़ दैट इफ़ यू परफॉर्म वेल देन द आउटकम विल बी वैल्यूएबल वन फॉर मी, कि अगर मैं जॉब अच्छी करूँगा तो इसमें मेरे लिए भी कोई चीज़ होगी. दिस इज़ अफेक्टेड बाई थिंग्स सच एज क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रिलेशनशिप की परफॉर्मेंस और आउटकम्स के दरमियान, लाइक रूल्स ऑफ द रिवॉर्ड गेम, ट्रस्ट इन द पीपल हु विल टेक द डिसीजंस ऑन हु गेट्स व्हाट आउटकम, ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस डिसाइड्स हु गेट्स व्हाट आउटकम. एंड नंबर 3 इज वैलेंस. वैलेंस इज हाउ मच इम्पोर्टेंस द इंडिविजुअल प्लेसेस अपॉन द एक्सपेक्टेड आउटकम्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मनी की तरफ मोटिवेटेड है तो ही और शी माइट नॉट वैल्यू ऑफर्स ऑफ एडिशनल टाइम ऑफ. इंसेंटिव थ्योरी. द इंसेंटिव थ्योरी सजेस्ट दैट मैनेजमेंट कैन इन्वोक मोटिवेशन बाय रीइन्फोर्समेंट रिकॉग्निशन, कि जो मैनेजमेंट है वो मोटिवेशन को इन्वोक कर सकती है रीइन्फोर्समेंट से, लाइक एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको रिवॉर्ड्स देकर, उनको इंसेंटिव्स देकर. सो इसकी जैसे एग्जाम्पल्स वर्क प्लेस से रिलेटेड हैं. नंबर 1 है बोनस. अ बोनस इज़ अ मोनिटरी रिवॉर्ड दैट अ कंपनी मे गिव एन एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस. बोनस जो है वो कंपनी एम्प्लॉय को देगी उसकी परफॉर्मेंस पर. देन प्रेज. प्रेज ये है कि किसी की तारीफ कर देना, उसको पॉजिटिव फीडबैक दे देना. देन प्रमोशन. प्रमोशन में ये है कि एम्प्लॉय जो है उसने बहुत हार्ड वर्क किया है तो उसकी सैलरी इंक्रीज कर देंगे, या उसकी जो जॉब है उसको न्यू टाइटल दे देंगे, एडवांस रोल उसको दे देंगे. नंबर 4 है सैलरी और वेज हाइक. मैनेजमेंट टीम्स फाइंड द ऑफरिंग अ पे रेज और अ सैलरी इंक्रीज, कि वो सैलरी को इंक्रीज कर देंगे जिसकी वजह से जो एम्प्लॉय है उसमें मोटिवेशन ज़्यादा आ जाए और वो काम को अच्छी तरह से करेंगे. पेड वेकेशन और टाइम ऑफ. जो इम्प्लॉयज़ जो हैं उनको पेड वेकेशंस दे दें या फिर उनको टाइम ऑफ दे दें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर चले जाएं या फिर रेस्ट करें अपने होम पर. सो मैनेजर्स कैन यूज़ इंसेंटिव थ्योरीज टू हेल्प इम्प्लॉयज़ टू वर्क ऑन टफ और चैलेंजिंग टास्क दैट मैनी प्रोफेशनल्स अवॉइड. सम पॉपुलर इंसेंटिव्स हैं कैश, प्रोडक्ट्स, एक्सपीरियंसिस, गिफ्ट कार्ड्स, टिकट्स टू पॉपुलर स्पोर्टिंग एंड entertainment events. It is important that a manager uses these incentives as rewards only for achieving goals and not without reason. कि जब employee कोई goal को achieve कर ले, कोई काम अच्छा करे, उसको तब ही incentive मिलने चाहिए. Thank you. Don't forget to like, subscribe and share this channel.